दिल्ली में 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है और एक नया अध्याय उनके जीवन में आने वाला है। उसी को देखते हुए एडीएम नॉर्थ ईस्ट मनोज द्विवेदी जो हैं, आज उन्होंने बच्चों को फूल दिए हैं। और फूल देने का उद्देश्य क्या सीधे हम जानते हैं मनोज जी, आज बच्चों को फूल देने का उद्देश्य क्या था? दरअसल आज मैथ्स का एग्ज़ाम था और मैथ्स के एग्ज़ाम में बच्चे काफ़ी तनाव लेते हैं। आजकल जो सिनेरियो हो गया है जिसके कारण माँ बाप की, पड़ोसियों की, स्कूल टीचर्स की अपेक्षाएं बच्चों से ज़्यादा होती और उन अपेक्षाओं के बोझ के तले बच्चे अपना नेचुरल फॉर्म में नहीं रहते और वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। तो एज ए जस्चर हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं, हमारे SDM से और तहसीलदार, हम स्कूल में विज़िट किया, बच्चों को मोटिवेट किया कि तनाव मुक्त होकर वो एग्ज़ाम में बैठें, एग्ज़ाम दें, भले ही उनसे क्वेश्चन मान लो ना आए तनाव के कारण, वो 3 घंटे बैठें, विचार करें। और हमने उनको एक फूल गिफ्ट किया, गुलाब का फूल दिया, ताकि उनको एक लगे कि भाई जिस तरह सरकार ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, बनाया है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बच्चों के साथ है। और इससे हमने देखा कि उनके चेहरों पर एक खुशी दिखी और उनका मनोबल काफ़ी बढ़ा और मुझे लगता है कि वो एक एम्पावरमेंट फील करेंगे कि सब लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल साफ तौर से बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक प्रयास दिल्ली में किया गया है। लगता है यही प्रयास समस्त भारत में हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। राजीव निशाना, समाचार वार्ता, दिल्ली।